होली के इस रंगों भरे माहौल में सीरियल आपके आ जाने से की वेदिका और साहिल ने जूम के साथ मिलकर बनाया भांग। भांग पीसो, भंडो जाओ, सबके सब होली के दिन। चलिए अपन बात करते हैं, होली का मौका है जी, और होली जब भी आता ना तो भांग की बात तो बिना होली अधूरी है। आप जाना चाहेंगे, सेट पर भी है, मस्ती हो रही है, आप भांग की भी बात चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? जी माहौल तो काफ़ी अच्छा है, कहीं ना कहीं साहिल का बचपन अभी तक गया नहीं है, वो चाहते हैं कि वेदिका जी नशे में आके उससे कह दे कि वो भी उससे प्यार करती है, तो प्लान वही है, इसलिए यार उसके घर उनके मोहल्ले के बाहर ही होली खेल रहा है। कभी ऐसा मौका मिला इस तरह से भांग पीसने का, यू नो अपने दोस्तों को दुश्मनी तो निकालते थे भांग खिला करके? जी कभी मौका मिला या कभी ट्राई करना चाहूँगा, डेफिनेटली ऐसा कभी मौका मिला नहीं है, बट थैंक यू आपने मौका दिया है मुझे, तो मैं कर रहा हूँ अभी। लेट्स सी अभी के यही भांग खिला के मैं वेदिका जी के पास जाने वाला हूँ और वो कह दे मुझे आई लव यू। इन रियल लाइफ में कभी ऐसा मौका मिले किसी को आई लव यू बुलवाने का तो भांग खिला के करना चाहिए? पता नहीं मेरी हालत क्या होगी उसके बाद, कहीं मैं एक्साइटमेंट में मैं ये देखकर पी ना जाऊँ, तो ऐसा अगर होगा तो आपको डेफिनेटली कांटेक्ट करूँगा। चलिए लेकिन फिल्मों में इस तरह से है ना, यू नो बहुत सारे गाने और तो आपने भी आज फिल्म झूमा है थोड़ा, तो क्या कहना चाहेंगे होली के मौके पर जब उस पर डांस होता है? जी मुझे ये जवानी दीवानी का वो गाना बहुत पसंद है, बलम पुचकारी, तो मैं उस पर जैसे मैंने यहाँ डायरेक्टर सर को भी कहा कि सर प्लीज़ वो बचा दीजिए ताकि अंदर से फील आए कि हम होली खेल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पिचकारी तो थी नहीं और कुछ भी नहीं था, बट जो भी है कलर्स के साथ खेले हमने तो वही है। एंड आई थिंक हमारे सोसाइटी में हमेशा आंटी अंकल जी वो एक टिपिकल सॉन्ग्स बजाते हैं जो उन्हें पसंद है, तो एक बार भंड होने के बाद क्या समझ में आता है कौन सा गाना क्या है, तो जस्ट गो विद द फ्लो। चलिए क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से, अपने सबसे? जी थैंक यू सो मच, पहली बात तो आप मेरे फैंस नहीं, आप मेरे फ्रेंड्स हैं, एंड आपने इतना प्यार दिया अभी तक, मुझे 3 साल हो गए इंडस्ट्री में, एंड आई रियली वांट टू से दैट थैंक यू, हैप्पी होली एंड आई विश यू अ सेफ होली। लास्टली क्या कहना चाहेंगे कि इस बार ज़रूर होली खेलें लेकिन किसी को मतलब नुकसान ना पहुँचे? जी वो तो मैं हमेशा कहना चाहूँगा, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक लाइफ में सबसे ज़्यादा हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे ध्यान मध्य रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में, तो प्लीज़ बी सेफ, यूज़ लेस ऑफ वाटर एंड यूज़ ऑर्गेनिक कलर्स इफ़ यू वॉन्ट, एंड जस्ट प्ले विथ एन ओपन हार्ट। हैप्पी होली, आई लव यू, थैंक यू सो मच। हैप्पी होली। होली के मौके पर कैसे सेलिब्रेट करते हैं लोग? भांग का स्पेशल होता है। भांग स्पेशल। होली के वो भांग के ग्लासेस की खासियत होती है, वो पता नहीं इतने बड़े क्यों होते हैं, चढ़नी तो इतने में ही चढ़ जाती है, इतने बड़े चढ़ा के करना क्या होता है सबको मुझे पता नहीं, पर ये भांग है और भांग पीने से क्या होता है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है और बहुत सारे लोगों को पता भी है, पता नहीं मुझे भांग पीने से क्या। देखिए मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, अच्छी घर की लड़की हूँ, मैं ऐसे सब बुरे बुरे काम नहीं करती हूँ। लेकिन दोस्ती वाले साथ लोग करते हैं ना, कभी कोई वाकया किसी के साथ ऐसा हुआ हो कभी सेट पर या कभी सेट पर? तो हम कभी होली सेलिब्रेट करते नहीं हैं, लेकिन मैंने सुना है कि भांग पीने से बहुत मज़ा आता है और उसको नहीं मज़ा आता जिसने पी है, बाकी सबको बहुत मज़ा आता है, तो बट मेरा कोई फ्रेंड ऐसा है नहीं जिसने भांग पी हो और मैं वहाँ पे देख रही हूँ, तो बट मैं कोशिश करूँगी इस बार किसी को पिला दूँ गलती से, तो ठंडाई ठंडाई जैसे माया ने मुझे पिला दिया ना, ऐसे चल ना पीना छास है छास करके पिला दूँगी। क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस से? होली जरूर सेलिब्रेट, होली तो सेलिब्रेट करनी ही चाहिए। हाँ होली सेलिब्रेट करनी चाहिए, गुलाल बस यूज़ करें, और लास्ट ईयर तो लास्ट 2-3 साल से तो पानी का भी यूजेज बहुत कम है, जो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे तो नॉर्मल, हम बॉम्बे में रहते हैं इसलिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन बहुत सारी जगह में तो पानी की भी कमी है। होली प्यार का फेस्टिवल है, बस प्यार से लोगों को रंग लगाएं और घर जाके नहा के क्लीन हो जाए, उससे ज़्यादा कुछ मत करें। हैव अ सेफ होली। फॉर ऑल द गरमा गरम बॉलीवुड गॉसिप न्यूज़ एंड मोर, डाउनलोड द ज़ूम ऐप नाउ।